जिस प्रकार असंख्य प्रकार के जीव जंतु एक विशाल जीवन जगत का निर्माण करते हैं, वैसे ही असंख्य प्रकार की वनस्पतियां एक बृहद वनस्पति जगत की रचना करती हैं। यदि गहराई से विचार किया जाए तो मालूम पड़ता है कि दोनों यानी जीवन जगत और वनस्पति जगत में एक दूसरे से गहरा संबंध है। जहां जीवन जगत में क्रियाकलाप वनस्पतियों का पालन पोषण करने में सहयोगी बनते हैं, वहीं वनस्पतियां अपने उपकारों से जीवों का पालन पोषण करते हुए उनकी जीव रक्षा में मदद करती हैं। यदि जीवन जगत के अंतर्गत हम आज के मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य एक ओर वनस्पतियों के पालन पोषण में भाग तो लेता है, लेकिन उन्हें नष्ट करने में भी इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। हमारे ऋषि मुनियों ने वनस्पति जगत के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझा है। उन्हें कोई भी वनस्पति निरुपयोगी नहीं लगती, अनयूजफुल नहीं लगती, चाहे वह विष से भरी ही क्यों ना हो। प्रत्येक वनस्पति में उन्होंने अनेकानेक गुणों को देखा, परखा और मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग किया। इससे जुड़े अपने शोधों और अनुभवों को उन्होंने आयुर्वेदीय ग्रंथों के माध्यम से प्रकट किया। इसी आयुर्वेद ने हजारों सालों से मानव जाति का आरोग्य का आशीर्वाद देते हुए कल्याण किया है। जैसा कि मैंने बताया कि वनस्पति में कुछ ना कुछ गुणकारी प्रभाव होता है, ये गुण मौत के मुंह में जा रहे प्राणी की जीवन की रक्षा कर सकते हैं या घातक और कष्टकारी व्याधि से मुक्त कर सकते हैं और वर्तमान की महंगी से महंगी चिकित्सा की अपेक्षा आसानी से आरोग्य प्रदान कर सकने में समर्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है वेरिकोज वीन्स को कैसे आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, वो भी ना के बराबर खर्च में, केवल एक पेड़ के पत्ते के उपयोग के द्वारा। केवल एक पेड़ के पत्ते के उपयोग के द्वारा आपकी वेरिकोज वीन्स ठीक हो सकती हैं, जहां पर आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, बहुत लंबा समय बर्बाद कर चुके हैं। और आप लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रश्न भी आता है कि सर वेरिकोज वीन्स पे वीडियो बनाइए, वेरिकोज वीन्स पे वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो मेरा वेरिकोज वीन्स पे है। जो भी व्यक्ति धीरज रखता हो, जो भी व्यक्ति धैर्यवान हो, वही वीडियो देखिएगा, क्योंकि यदि आप बीच में वीडियो छोड़ते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। आप एक ऐसी अनुभूत दवा को प्राप्त करने से बच जाते हैं जिससे आप पूरी तरह वेरिकोज वीन्स को खत्म कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च में और ना के बराबर खर्च में। पत्तों में आपका कौन सा खर्च होगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि त्रिदोषज वात रक्त यानी वेरिकोज वीन्स जैसी घोर कष्टकारी व्याधि का उपचार पीपल वृक्ष के पत्तों से संभव हो सकता है। हाँ दोस्तों, पीपल वृक्ष के पत्ते, जी हाँ, संभव है। शास्त्रोक्त प्रमाण के आधार पे वैद्य हरिशंकर जी सांडिल्य ने इसी घोर कष्टकारी रोग का उपचार पीपल वृक्ष के पत्तों से करके रोगियों को आरोग्य प्रदान किया है। इस अनूठे अनुभव को जहां प्रस्तुत किया जा रहा है, निश्चय ही यह अनुभव चिकित्सकों का मार्गदर्शन करेगा और ज्यादा से ज्यादा रोगियों को बहुत ही सरलता से वेरिकोज वीन से मुक्त होने में मदद करेगा। जीवन शैली जो खराब जीवन शैली जीने वाले पुरुष व महिलाओं में प्रायशः दिखाई पड़ने वाला यह विकट कष्टदायी रोग है। यह अधिकांशतः स्टैंडिंग किचन में खड़े होकर भोजन बनाने वाली, फर्राटेदार तीव्र गति वाली वाहन चलाने वाली महिलाओं में तथा अधिक चटपटे फास्ट फूड व्यंजनों का सेवन करने वालों में, सामान्यतः भोजन में तीखा, खट्टा, मिर्च मसालेदार सामग्री, मांस मछली प्रयोग करने वालों में, सुरा यानी कि वाइन, शराब, कांजी बड़े, चाय, कॉफी सेवन करने वालों में और अधिक देर तक खड़े रहने वाले और जिनका स्टैंडिंग जॉब रहता है, ज्यादा लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, वैसे जॉब वाले जैसे कि चौकीदार, सैनिक व खड़े रहकर तपस्या करने वाले हठ योगी साधुओं में पाया जाता है। अधिक देर तक खड़े रहकर कार्य करने की वजह से उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे पैरों की ओर गतिशील रहता है यानी कि मूवेबल रहता है तथा पुनः वापस ऊपर की ओर जाने की क्रिया बाधित हो जाती है, क्योंकि वाल्व बंद हो जाते हैं। वहीं पे खुलना और बंद होना वाल्व्स का जो है वो सम्यक प्रकार से नहीं होता, इसके कारण जो खून है वो नीचे तो आ जाता है परंतु ऊपर जाने में वहां पर उसको रुकावट हो जाती है और ये क्रिया बाधित होने से घुटने और जांघों की शिराओं में ही रुककर गाढ़ा होकर जमने लगता है तथा समय पाकर सूजन यानी कि सूजन और पकने की स्थिति में आकर पैरों की सामान्य कार्य क्षमता में बाधक बनने लगता है और फिर बहुत प्रकार के लक्षणों को उत्पन्न करता है, जैसे कि पैरों की त्वचा सांवली, काली व लाल हो जाती है, जो स्पर्श ज्ञान है, जो टच सेंसेशन है, वो लुप्त होने लगता है, पैरों में थोड़ी सी चोट भी भयंकर पीड़ादायी हो जाती है, पैरों की त्वचा पर, स्किन पर कभी अधिक पसीना आता है तो कभी पसीना
बिल्कुल नहीं आता और पैरों में भारीपन महसूस होता है। कमर, जांघ, घुटना व हाथ पैरों के छोटे बड़े जोड़ों में दर्द, चिमचिमाहट, जलन की अनुभूति, लाल काले चकत्ते होकर घाव हो जाते हैं जिनसे पानी सा स्राव बहने लगता है, जोड़ों में दर्द, अंगुलियां मुड़ना, चींटियां सी चलना आदि लक्षण होते हैं। पीड़ित रोगी को चलने फिरने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है और वॉकिंग स्टिंग या बैंत के सहारे वो चलता फिरता है, यानी कि उसका जीवन जो है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है, चलने फिरने में तक दिक्कत होने लगती है और सारे रोजमर्रा के कार्य भी व्यवधित हो जाते हैं, यानी उनमें व्यवधान आने लगता है। तो इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वो इधर उधर फटकता रहता है। डॉक्टरों द्वारा, जो आधुनिक चिकित्सक हैं, उनके द्वारा प्रायः ऑपरेशन के परामर्श से हताश व दुखी रहने लगता है। आइए अब देखते हैं इस विकट रोग के निवारण का वृतांत। मैं कैसे इस रोग के लिए आपको उपचार बता रहा हूं वो ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों। एक विशेष प्रकार का श्लोक है चरक संहिता में, अश्वत्थ त्वक कसायम तु पिवेन्यधुना सह वात रक्त निहंत्यासु त्रिदोषज मिति दारुणम। इसमें वात रक्त की चिकित्सा का वर्णन किया गया है पर उसको भी कुछ थोड़ा सा परिवर्तित करके एक वैद्यराज जी ने इसका विशेष प्रयोग किया था जिससे लाखों रोगी ठीक हुए और मैंने भी अपने पेशेंट में प्रयोग किया जिससे सैकड़ों रोगियों को आराम मिला और पूरी तरह वो ठीक हो चुके हैं और उनकी दुआएं मुझे मिलती रहती है। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीपल वृक्ष के ना तो एकदम कोमल पत्ते और ना ही पूरे पके हुए पत्ते, यानी बीच के पत्ते जो युवा पत्ते हों, ना ज्यादा कोमल कोपल हों, ना बिल्कुल पके हुए पत्ते जो पीले पड़ गए हैं वो हों, उनके बीच के 8 से 10 संख्या में पत्ते लेकर, यानी 8 से 10 पत्ते लेकर 100 ग्राम जल में मिट्टी के पात्र में मंद अग्नि पर पकाकर चतुर्थांश यानी 25 ग्राम जब जल बच जाए, 100 ग्राम पानी में आप 8 से 10 पत्ते कुचल के डाल दीजिए और उनको पकाइए तब तक जब तक कि 25 ग्राम पानी शेष ना रह जाए, तब तक उनको पकाते रहिए। जब 25 ग्राम पानी शेष रह जाए तब कुनकुना होने पर सुबह और शाम खाने के 2 घंटे बाद रोगी को खिला दीजिए। शेष बाकी सारी दवाइयां बंद कर दीजिए, केवल त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और 2 चम्मच अरंडी का तेल सुबह शाम रात 3 टाइम खाने के 2 घंटे बाद गुनगुने पानी में मिलाकर देते रहिए। दोस्तों इस प्रयोग को करने पर रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और बहुत ही जल्दी 1 से 2 महीने 3 महीने में ही ये पूरी तरह जो वेरिकोज वीन्स की समस्या है वो खत्म हो जाती है और इसके साथ साथ रोगी को चलते फिरते समय स्टॉकिंग्स नामक आधुनिक जो सहायक जो पट्टियां आती हैं उनको लगाकर चलने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इससे रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों जरूर इसका प्रयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रोग में होने वाले लाखों रुपयों के खर्चों से बच सकें और केवल पीपल के पत्तों का प्रयोग करके पूरी तरह स्वस्थ हो सके। दोस्तों सैकड़ों रोगी पूरी तरह ठीक हुए हैं, आपको केवल इस प्रयोग को करना है और देखिए कैसा चमत्कार होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और यदि मुझसे दवा बुलवाना चाहते हैं तो यहां स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, कब से रिपोर्ट की फोटो व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको मैसेज करूंगा फॉर कॉल, देन कॉल मी, तब बताऊंगा कितने माह दवा चलानी, 1 माह की दवा की कीमत क्या होगी, वह कीमत एडवांस पेमेंट करके मुझसे दवा बुलवा सकते हैं या मुझसे दवा प्रिस्क्राइब करा सकते हैं 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके अपने बजट के अंदर। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है आपके लिए। तो दोस्तों जिस भी विकल्प के तहत आप मुझसे दवा बुलवाना चाहते हैं या प्रिस्क्राइब कराना चाहते हैं कर सकते हैं, पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। तो आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि सा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।